हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, क्या आप भी मेरी तरह क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि किस कार ने मार्च के महीने में कितनी सेल करी है एंड कौन सी कार शामिल हुई है टॉप 10 कार लिस्ट में? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में किस कार ने कितनी सेल करी है और कौन सी कार बनी है नंबर 1। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहते हैं। एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो और बन जाओ हमारी फैमिली का पार्ट। तो गाइस, अगर नंबर 10 पोजीशन की कार की बात की जाए तो नंबर 10 पे जो कार आती है वो है मारुति ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा को लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सितंबर 2022 के अराउंड इस कार को लॉन्च किया गया था एंड विद इन 4 to 5 months इस कार ने नंबर 10 की पोजीशन हासिल कर ली। इस कार ने मार्च के महीने में 10,045 यूनिट सेल करी एंड किसी नई कार का इतनी यूनिट सेल करना कोई कम बात नहीं है। तो ग्रैंड विटारा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड आई होप आने वाले टाइम पे ये कार और ज्यादा यूनिट सेल। बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। तो 9 पोजीशन में हमारी आपकी सबकी फेवरेट टाटा पंच। टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है इस कार ने टॉप 10 कार की लिस्ट में हमेशा अपना नंबर बनाया है। मार्च के महीने की बात की जाए तो इस कार की जो टोटल यूनिट सेल हुई थी वो है 10,894। इस कार पे 3% का हाई देखा गया है इसकी सेल्स पे। टाटा पंच अपने सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक बजट सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप देख रहे हो तो ये कार वन ऑफ द बेस्ट कार है। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 8 पोजीशन की। तो नंबर 8 पोजीशन पे जो कार आई है वो है मारुति इको। इको ऐसी कार है जिसको आप कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों में देखते होंगे। नॉर्मली इको का ज्यादा यूज कॉमर्शियल में किया जाता है बिकॉज ये ऐसी बजट कार है जो 7-सीटर ऑप्शन के साथ आती है इतने कम रेंज में। बात की जाए इस कार की मार्च 2023 की सेल की तो इस कार की अभी तक 11,995 यूनिट सेल हुई है। अगर कंपेयर किए जाए इसको मार्च 22 के साथ तो इस कार में 30% का हाइक दिखा गया है। जिस तरह से इको को कॉमर्शियली यूज किया जाता है इसके सेल्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं 7th पोजीशन की। 7th पोजीशन पे जो कार आई है वो है मारुति डिजायर। ये एक लौती ऐसी सेडान कार है जिसने इस टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है बिकॉज वी ऑल नो यार, आजकल के टाइम पे लोग एसयूवीज की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोगों का क्रेज ज्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कारों पे ज्यादा जा रहा है, बट ये ऐसी एक लौती सेडान कार है जिसने टॉप 10 कार की लिस्ट में जगह बनाई है। बात की जाए मारुति डिजायर के मार्च 2023 सेल की तो इस कार की अभी तक 13,394 यूनिट सेल हुई है एंड कंपेयर करें इसको मार्च 2022 से तो इस कार में ऑलमोस्ट 28% का लाइन देखने को मिला है, बट फिर भी इस कार ने टॉप 10 कार की लिस्ट में जगह बना ली। अब बात करते हैं 6th पोजीशन की एंड ये जो कार है ये इकलौती ऐसी कार है जो इस ब्रांड की तरफ से टॉप 10 कार की लिस्ट में जगह बना पाई है। कोई गैसेस? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Honda Creta की। Honda Creta के मार्च महीने की सेल की बात की जाए तो इस कार की 14,026 यूनिट सेल हुई है एंड अगर इसको कंपेयर करें मार्च 22 की सेल से तो इस कार में 33% का हाइक भी देखने को मिला है। जब से कंपनी ने इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है तब से इस कार की डिमांड में हाइक देखने को मिली है एंड वी होप आगे चल के भी इसकी डिमांड ऐसी ही बनी रहेगी एंड जल्दी ही ये कार और आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं नंबर 5 पोजीशन की। नंबर 5 पोजीशन में क्या आप गेस कर सकते हो कौन सी कार है? नंबर 5 पोजीशन जिस कार ने हासिल की है वो है टाटा नेक्सॉन। गाइस, अगर टाटा नेक्सॉन की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन काफी लंबे समय से काफी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है एंड कई महीनों तक इसने अपने सेगमेंट को रूल किया है। इसके मार्च 2023 की सेल्स की बात की जाए तो इस कार की 14,769 यूनिट अभी तक सेल हुई है एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके मार्च 22 की सेल से तो इसमें आपको 3% का हाइक देखने को मिला है एंड आई होप जैसे ही इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा ये कार सेल्स के नए रिकॉर्ड बनाएगी। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की। तो नंबर 4 पोजीशन में जो कार आई है वो है मारुति वैलेनो। मारुति वैलेनो जब से लॉन्च हुई है इस कार ने सेल्स के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं और इसने टॉप 10 कार की लिस्ट को काफी समय तक रूल भी किया है। बात की जाए इसके मार्च 2023 की सेल्स की तो इस कार की अभी तक 16,168 यूनिट सेल हुई है एंड अगर इसको कंपेयर किया जाए मार्च 22 की सेल से तो इस कार में 11% का हाइक देखने को मिला है। एंड अब बात करते हैं अपने टॉप 3 कार्स की। तो क्या आप गैस कर सकते हो नंबर 3 पोजीशन पे कौन सी कार है? जी हाँ, नंबर 3 पोजीशन जिसने हासिल की है वो है मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा ने जब से लॉन्च हुई है तब से यार ये कार दिन पर दिन अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रही है। बात करो इसके मार्च 23 की सेल्स की तो इस कार की अभी तक 16,227 यूनिट सेल हुई है एंड कंपेयर करें इसको लास्ट ईयर से मार्च 22 के साथ तो इस कार में 30% का हाइक देखने को मिला है। गाइस, 30% का हाइक बहुत है और ये कार हर मंथ नए रिकॉर्ड सेट करे जा रही है। क्या आपको भी मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन की।
नंबर टू पोजीशन पे जो कार आई है वो है मारुति वैगनर। मारुति वैगनर जब से लॉन्च हुई है इस कार का कोई कंपटीशन नहीं है इस सेगमेंट में। इस कार की सेल्स की बात करी जाए तो मार्च 23 में इसकी सेल्स जो हुई है वो है 70,305 यूनिट्स। अगर इसको कंपेयर किया जाए मार्च 22 के साथ तो इस कार में 30% की कमी देखी गई है। एंड ये जो कमी है वो इसलिए आई है बिकॉज इस सेगमेंट में कंपटीशन अब ज्यादा बढ़ गया है। इस प्राइस रेंज में आपको और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल रहे हैं, इसीलिए वैगनर की सेल्स में ये ड्रॉप देखा गया है। बट इस ड्रॉप के बावजूद ये कार नंबर टू की पोजीशन बनाने में कामयाब हुई है। सो फाइनली गाइस अब बात करते हैं नंबर वन कार की। तो मार्च के महीने में जो कार सबसे ज्यादा सेल हुई है वो है मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है गाइस। ये एक लौती ऐसी कार है जिसने इस सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट किया है बाकी कंपनीज के लिए। बात करूं इसके मार्च 23 की सेल्स रिपोर्ट की तो इस कार की जो मार्च में सेल हुई है वो है 17,559 यूनिट्स। एंड अगर इसको कंपेयर किया जाए इसकी मार्च 22 की सेल से तो इस कार में 29% का हाइक देखने को मिला है। एंड इस कार की सेल्स कम होने का नाम नहीं ले रही गाइस। एंड हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ भी ये कार टॉप 10 की लिस्ट में रूल करती भी नजर आए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ एंड बने रहें हमारी फैमिली का पार्ट।